स्टूडेंट्स इमरान मालविया योर साइंस टीचर सो यस इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू द वर्क रिलेटेड टू द माइंड मैप ऑफ चैप्टर नंबर टेन नेम एज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स तो यहाँ पे रेस्पिरेशन है ना इसके बारे में हम समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता कैसे है इससे रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर ब्रीदिंग है ना गैसियस एक्सचेंज सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं फिर रेस्पिरेशन इन अदर लिविंग थिंग्स में दिया हुआ है तो ये जो ब्रीदिंग जो है ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है गैशियस एक्सचेंज भी एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक एंड एनारोबिक ये दो चीज़ दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन इन अदर लिविंग बींग्स में जो है इंसेक्ट्स हो गया बर्ड्स हो गया फिश अर्थ बॉम एंड प्लांट प्लांट्स में कैसे रेस्परेशन तो ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं की पर यहाँ पर जो की दिए हुए हैं इसमें आप देख सकते हो कि एरोबिक रेस्परेशन एनारोबिक रेस्परेशन एक्सलेशन एंड इनहेलेशन के बारे में दिया हुआ है तो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्परिएशन जो टर्म्स है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि इसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रेस्परेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखिए एरोबिक ठीक है आप एरोबिक से ही समझ में आ रहा है कि एयर की प्रेजेंस और एयर को आप रिलेट कर दो ऑक्सीजन से तो एरोबिक का मतलब हुआ कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ज़रूरी है तो सेल्युलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना कि सेल वाला सेल में होने वाला जो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो ठीक है एन एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एनारोबिक समझना एनारोबिक तो इससे समझ जाइए आपकी अब्सेंस ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो भी रेस्पिरेशन हो जाए ठीक है तो सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन अप्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अब यहाँ पर आप समझ होंगे सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या तो सेल में होने वाला रेस्पिरेशन ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सेलेशन की बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर मतलब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं एक्सेलेशन करते हैं मतलब गिविंग आउट एयर बॉडी से बाहर निकालना किसको एयर को एंड इनहेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर तो जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं यानी इन्हील करते हैं तो उसी को इन्हेलेशन बोला जाता है ऐसी प्रोसेस जिसमें एयर को अंदर लिया जाए बॉडी के ठीक है अब यहाँ पर देखिए ये माइंड मैप दिया हुआ है तो ये माइंड मैप में आपको प्लांट्स इंसेक्ट फिश फ्रॉग बर्ड्स ये सब के बारे में दिया तो प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है इंसेक्ट्स में इस्पायरिकल्स के थ्रू है ना ट्रकिया एयर सेक्स ये सारी चीज़ें हैं स्पैरेकल्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं ठीक है ट्रैकिया भी ठीक है इसके अलावा जो गिल्स फिश में गिल्स होते हैं उससे जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं वैसे फिश में गिल्स होते हैं इसके अलावा देखिए फ्रॉग में लंग्स होते हैं और स्किन से भी वो रेस्पिरेशन करते हैं उनके स्किन में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अलावा बर्ड्स बर्ड्स में ट्रैकिया लंग्स ट्रैकिया और लंग्स दोनों होते हैं अब इसके अलावा रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स इसमें आप नीचे देखिए ह्यूमन तो ह्यूमन में नॉस्ट्रिल्स फिर ट्रैकिया फिर लंग्स फिर बॉडी सेल्स ये चार ये हैं अब लंग्स में भी आप देखेंगे कि एयर क्या होती है बाहर निकलती है और एयर अंदर भी जाती है अब जो अंदर जाती है वो कौन सी होती है वो होती है ऑक्सीजन और जो बाहर निकलती है वो कौन सी होती है कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए एकदम यहाँ पर ये देखिए ये दिया हुआ यहाँ पर लंग्स से ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स में फिर लंग्स से क्या हुआ नोज़ से बाहर हो गई है ना और तो सबसे पहले नोज से अंदर आई फिर वो लंग्स में आई फिर लंग्स से वो कहाँ पर बॉडी सेल्स में आई फिर बॉडी सेल्स से क्या हुआ यानी ब्लड के थ्रू बॉडी सेल्स में आई फिर बॉडी सेल्स से क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में वापस गई ये एयरों से समझिए और फिर लंग्स के थ्रू एयर बाहर आ गई तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या कहना चाहिए चक्र जो है वो चलता है अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में मैंने अब भी बताया और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द दबसेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जो सेल्स रेस्पिरेशन करती है वो एरोबिक भी कर सकती है और एनारोबिक भी कर सकती है ये सब था इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर हम ऊपर चल के यस तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबको एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए सही बात है यस प्लांट्स ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे मेड है न मेक जो खाना वो बनाते हैं वहाँ से उनको एनर्जी मिलती है प्लांट्स को एनिमल ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट और एनिमल्स जो खाना खाते हैं वहाँ से उनको एनर्जी मिलती है सही है वी टू ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट जो हम खाना खाते हैं उसी से हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है ठीक है देन ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स प्रजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन इन टू ग्लूकोज अब डाइजेशन में क्या होता है बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं बॉडी में किसी फूड के थ्रू वो ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज को बनाता है और ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज इज़ अ काइंड ऑफ शुगर वो एक प्रकार का शुगर होता है है ना गूकोज सुक्रोज माल्टोज ये सब शुगर है ठीक है तो ग्लूकोज इज़ ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड ये ग्लूकोज है ना जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हर सेल में ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी की हर सेल में और हर सेल में कौन लेके जाता है ब्लड लेके जाता है अब यहाँ पर आप सेल से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा सेल के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी बहुत सारी हमारी बॉडी में एकदम बहुत छोटी जो हमारी आँखों से दिखती भी नहीं है ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स होती हैं सेल के अंदर भी छोटे 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 बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं इस सेल के बारे में डीप जो डिस्कशन है या फिर जो डीप स्टडी है आप क्लास एट्थ में करेंगे मगर आपने सेल तो सुना ही होगा सेल में भी ये जैसे एक सेल मैंने बनाई जैसे ये छोटी सेल को बड़े रूप में बनाया माइक्रोकॉन्ट्रिया लाइसोसोम्स है ना या फिर क्रोमोसोम्स इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस न्यूक्लियोलास ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर सेल के अंदर लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि हमको नहीं दिखाई देती अब ये जब सेल बहुत सारी जो सेल्स है छोटी छोटी जब ये मिलती है तो ये मिल कर के है ना ये बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स जब एक दूसरे से मिलेगी तो ये मिल कर के बनाती है क्या ये बनाती है टिशू और जब टिशू एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बनाते हैं मसल्स और मसल्स फिर आप समझते ये मसल्स क्या होती है हमारी बॉडी में मसल्स जो होती हैं है, है ना तो इस तरीके से सेल टिश्यू एंड मसल्स ये सारा इसका एक आ, कहना चाहिए स्टेप है तो यही छोटी छोटी सेल्स हैं इनमें भी ब्लड पहुंचता है और ये ब्लड किसको लेकर जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी हर सेल को मिलती है और हर सेल को एनर्जी मिलती है इसका मतलब कम्प्लीटली बॉडी को एनर्जी मिलती है है ना और हर सेल रेस्पायर भी करती है ठीक है यानी रेस्पिरेशन भी करती है सो ग्लूकोज इज ट्रांसपेट ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड ठीक है सो द सेल ऑफ़ द बॉडी ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन यस अब ये ग्लूकोज वहाँ पहुँच गया ठीक है और ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी किसको सेल को ठीक है और वो किसके थ्रू मिलेगी तो एक प्रोसेस होती है उसका नाम है रेस्पिरेशन जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं ठीक है सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वर्क विद द सर्कुलेटरी सिस्टम अब रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारा तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो इस तरीके से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो हमारा ब्लड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक साथ मिलकर के काम करते हैं है ना एंड डिलीवर ऑक्सीजन फ्रॉम द फ्रॉम द एटमॉसफियर टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी और ये दोनों मिल कर के जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है उसको हर सेल तक के पहुँचाने का काम करते हैं इन ह्यूमन बींग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्परेशन तो ये तीनों चीज़ें होती है देखिए ह्यूमन बींग है ना इन ह्यूमन बींग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है हमारी ह्यूमन बीइंग में उनमें तीन स्टेप्स होती है ठीक है या तीन प्रोसेस होती है एक प्रोसेस के अंदर पहली प्रोसेस है ब्रीदिंग फिर है गैसियस एक्सचेंज और एक है सेलर रेस्पिरेशन तो सबसे पहले ब्रीदिंग होगी जिसमें सांस मतलब गैस को लिया जाएगा अंदर फिर गैसियस एक्सचेंज होगा बॉडी में ठीक है यानी कि ऑक्सीजन अंदर आएगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी है ना और सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब भी यही हुआ कहीं ना कहीं कि सेल भी रेस्पायर करेगी है ना सेल भी रेस्पायर करेगी यानी ऑक्सीजन को लेकर के फिर वो क्या करेगी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और फिर ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा एंड फाइनली फिर वो जो कार्बन है उसके साथ में जो मतलब जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को जॉइंट करके और फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी तो ना विद इन माइक्रो सेकेंड्स होता है ये प्रोसेस बहुत ही कम समय में होता है इसलिए हम फट से सांस लेते हैं और फट से सांस को छोड़ देते हैं तो इस तरीके से था ये बाकी इसके बारे में अब जैसे ब्रीदिंग है है ना ब्रीदिंग के बारे में भी डीप डिस्कशन दिया हुआ है फिर डिफरेंसेस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सेलेसन के बारे में दिया हुआ है व्हाट हैपन टू द एयर दैट यू ब्रीद इन क्या होता है जब आप जो सांस को अंदर लेते हो वो करती क्या अंदर जाके इसके बारे में दिया हुआ है फिर गैसेस एक्सचेंज इन द ह्यूमन बॉडी के बारे में दिया हुआ है वेयर डज गैसियज एक्सचेंज अकर इन द बॉडी ये दिया हुआ है हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होती है बॉडी से फिर लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फिर रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन इन बर्ड्स हाउ डू एनिमल लिविंग इन मोस्ट प्लेसेस एंड वाटर ब्रीथ है ना पानी में और मोस्ट यानी कि जो मोस्ट uh, यानी ह्यूमिड या फिर मोस्ट यानी जो गीली सतह होती है वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं हाउ डू प्लांट टेक इन एयर ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है और ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे डीप में ठीक है तो यस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ थैंक यू डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम फिर से मिलेंगे थैंक्स